इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। कोरोना का डर अब तकरीबन खत्म होता जा रहा है, पर मास्क ना पहनने पर जुर्माने का डर अब भी कायम है। तकरीबन सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस जुर्माना वसूल करने के लिए तैनात है। अब तक कॉरपोरेशन की जानिब से तकरीबन 6 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूल किया गया। कोरोना का दौर भी तारीकी रहा, जहां लोगों में डर खौफ देखा जा रहा था, पर अब कोरोना गिरफ्त कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। जहां दिन में 500-600 पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे थे, अब सिर्फ बेलगाम जिले में 50 या 60 पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। बंद कारोबार शुरू हो चुके हैं। भले देश के आवाम को कुछ मिले या ना मिले, पर पैकेजेस बतौर ऐलान दिए जाते हैं। खासकर मोदी हुकूमत में लाखों करोड़ों के पैकेजेस अक्सर दिए जाते हैं, पर आप इस पर सवाल नहीं पूछ सकते कि किसे इन पैकेजेस का फ़ायदा हुआ या किन लोगों को ये रुपया मिला। कोरोना आलमी वबा के दौर में मोदी हुकूमत की जानिब से, खुद वजीर आजम की जानिब से 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था। एक बार फिर अब जब कोरोना खत्म होने जा रहा है, तो मोदी हुकूमत नए पैकेज का ऐलान करने का सोच रही है। अब कितने हजार करोड़ का है इसको तय नहीं किया गया। खैर, रेल महकमा के साथ तमाम मरकजी मुलाजमीन को बोनस का भी ऐलान मरकजी हुकूमत की जानिब से दिया गया। तकरीबन 30 लाख लोगों को इसका मुफाद हासिल होगा। यह रुपया दिवाली बोनस के तौर पर दिया जाएगा। काफ़ी तवील अरसे के बाद कॉरपोरेशन इंतखाबात होने के इम्कान रोशन होते जा रहे हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक दिसंबर महीने में बल्दिया चुनाव का ऐलान हो सकता है। फिलहाल वैसे भी एमपी सुरेश अंगड़ी की मौत के बाद बेलगाम पार्लियामेंट के भी बाई इलेक्शन होने हैं और आने वाले कुछ महीनों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान होना है। लिहाजा पोलिंग स्टेशनों का मुआयना कॉरपोरेशन चुनाव महकमा की जानिब से अंजाम दिया गया। शुमाल जुनूब दोनों हलकों में मुआयना किया गया। तमाम जगहों पर सहूलियत का भी जायजा लिया गया। कुल मिलाकर एमपी चुनाव के साथ या एमपी चुनाव के पहले ही कॉरपोरेशन चुनाव होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ कॉरपोरेटर्स ने वार्ड रचना और रिजर्वेशन को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसका फैसला भी आया। वार्ड की तरतीब पहले की तरह होगी। जैसे मझगांव 1 नंबर पर, तो अलार वार्ड आखिर यानी कि 58 नंबर पर होगा। आखिर में रहने के इम्कान है। रिजर्वेशन का फैसला दशहरा के बाद लिया जाएगा। अदालत ने भी जल्द इंतखाबात लेने की हिदायत दी है, पर कॉरपोरेशन चुनाव कब होंगे सवाल बाकी था। पर हासिल इत्तला के मुताबिक कॉरपोरेशन चुनाव की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। कुल मिलाकर जिन कॉरपोरेशन चुनाव का इंतज़ार सभी को था, दिसंबर में तकरीबन होना तय नज़र आ रहा है। लिहाजा अब आवाम के हमदर्द बाहर निकलना शुरू होंगे, ऐसी चर्चा भी जेर बहस है। कोरोना के मद्देनजर तमाम जुलूस, इजलास, जलसों पर पाबंदी लगा दी गई है। लिहाजा कन्नड़ तंजीमों की जानिब से मराठी तंजीमों पर सख्ती से कार्रवाई करने का इशारा आज कन्नड़ रक्षण वेदिके के नायब सदर सोमपुर ने साफियों से मुखातिब होते हुए कहा। अगर काला दिन मनाने की इजाज़त मराठियों को दी गई, तो तमाम कन्नड़ अभिमानी पिरनवाड़ी के संगोली रायना चौक से चन्नम्मा सर्कल बेलगाम तक मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम करेंगे। लिहाजा कर्नाटक में रहकर महाराष्ट्र की हिमायत करने वालों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति को सबक सिखाने की भी बात कही गई। कुछ मराठी लीडरों ने यह भी कहा कि बेलगाम में इन पर मजालिम ढाए जा रहे हैं और इन पर सौतेला सुलूक किया जा रहा है। बाई इलेक्शन को लेकर मराठी लीडरों ने कहा कि चुनावी इजलास में किसी भी कोरोना का लिहाज ना करते हुए सैकड़ों लोगों को जमा किया जा रहा है, पर कोरोना के बहाने मराठियों के जज्बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या अब 1 नवंबर को मराठियों की जानिब से काला दिन मनाने की इजाज़त दी जाएगी, या फिर कन्नड़ तंजीम बाइक रैली निकालकर इसकी मुखालफत करेंगे, तो राज्योत्सव के दिन ही मालूम होगा। उत्तर प्रदेश के बागपत में दाढ़ी रखने पर हवालदार इंतजार अली को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। एसपी का कहना है कि बिना इजाजत दाढ़ी रखने के लिए मना किया गया था, लेकिन इंतजार अली ने नहीं माना। एसपी ने यह भी बताया कि फोर्स में दाढ़ी रखने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होती। सवाल यहीं से पैदा होता है, पुलिस फोर्स में पगड़ी अथवा दाढ़ी वाले सिख भी हैं और माथे पर तिलक लगाने वाले दिगर मजाहिब के लोग भी हैं। इन अलामतों से भी पुलिस फोर्स के मुलाजमीन की पहचान होती है, क्या इसकी इजाज़त है? अगर इसकी इजाज़त नहीं है, तब ऐसे अफसरों को सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता? और अगर इजाज़त है, तो कोई मुस्लिम दाढ़ी रखकर पुलिस फोर्स में क्यों नहीं रह सकता? यकीनन
कोई भी किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, उसे दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। पर क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए ही भारत में तमाम कानून बनाए जाते हैं? वैसे तो किसी भी धर्म की पहचान की अलामत को इजाज़त बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। इंतिसार अली को सिर्फ दाढ़ी रखने पर सस्पेंड करने पर मुल्क भर में इसे बहस का मौजू बनाया गया। बिहार में तेजस्वी यादव की रैली में हजारों की भीड़ देखकर बौखला गए भाजपा नीतीश, खेमे में हुई हलचल। वैसे तो भाजपा नीतीश कुमार का ही माहौल बिहार में तो नजर नहीं आ रहा, पर कुछ लोगों का कहना है कि आखिर में किसी तरह ये लोग जुगाड़ कर भाजपा और नीतीश कुमार को ही जीत मिल जाती है। अगर दूसरी पार्टी के उम्मीदवार जीतते भी हैं तो उन्हें खरीद कर क्यों ना हो भाजपा हुकूमत बना ही लेती है। लिहाजा तेजस्वी यादव के इजलास में हजारों की भीड़ यकीनन भाजपा नीतीश खेमे में हलचल पैदा कर रही है। आज पटना से करीब मसूदी गांव में तेजस्वी यादव की रैली को हजारों की भीड़ ने शिरकत फरमाई। अवाम का कहना है कि भाजपा और नीतीश दोनों ही झूठ बोलते हैं, लिहाजा अब राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन को एक मौका मिलना चाहिए। आरजेडी गठबंधन ने भी बेहद लुभावने वादे किए हैं और तेजस्वी यादव गठबंधन यकीनन वादे पूरा करेगा, ऐसा भरोसा बिहार के अवाम को है। अब देखना है कि क्या आरजेडी गठबंधन हुकूमत बनाता है या फिर वही पुरानी तारीख दोहराई जाती है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।